कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद उसे उसके कर्मों के हिसाब से उसे कर्मों का फल भी मिलता है। और ये बात भी आपको पता ही है कि हमारी पूरी जिंदगी के कर्मों का सारा लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं, और फिर उसी के हिसाब से भगवान यमराज उस व्यक्ति को नर्क या फिर स्वर्ग भेजते हैं। और कहा जाता है कि इन सभी चीजों का लेखा जोखा कहीं और नहीं बल्कि इसी धरती पर होता है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूरी पर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान में स्थित इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी अनोखी मान्यताएं प्रचलित हैं। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो घर की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर के पास पहुंचकर भी बहुत से लोग मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की जिंदगी खत्म हो जाती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़ करके सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस मंदिर में चार अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण रजत तांबा और लोहे से बनते हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार उन्हीं द्वारों से स्वर्ग या फिर नर्क लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में चार दिशाओं में चार द्वारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।